हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लॉग्स। आज मैं एक और प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये लैक्टोमाइल की छोटी सी बॉटल है जिसे मैंने purple.com से परचेज़ किया था। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ फ्रंट पर लैक्टो कैलामाइन ऑयल बैलेंस लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ऑयली या नॉर्मल उस अकॉर्डिंग आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ और इसके टॉप 5 यूजेस भी। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। ये दो तरह की पैक में आते हैं, ऑयल टू नॉर्मल स्किन और नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बैक साइड देखेंगे तो ये 30 ml की बॉटल है, जिसकी प्राइस तो लिखी नहीं है, बट हाँ, इसकी प्राइस जो है 75 है, लेकिन मैंने इसे purple.com से परचेज़ किया था तो मुझे डिस्काउंट मिल गया था। तो गाइज़, यहाँ आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी दे सकते हैं। इसके पीछे इसमें कैस्टर ऑयल ग्लिसरीन है, जो हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। ये वाटर बेस्ड लोशन है। ये चेहरे के एक्स्ट्रा ऑयल को बैलेंस करता है। आप इसे अपने स्किन रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। गाइस, गर्मियों के मौसम में आप इसे एज अ मॉइस्चराइज भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ मॉइस्चराइजर भी ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है और ग्लोइंग भी। चलिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हल्के पिंकिश कलर की होती है। ये देखिए गाइस, मैं करती हूँ ओपन इसको अब। ये देखिए, काफ़ी थिक प्रोडक्ट है और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी लाइट है। बस थोड़ा ही अमाउंट लगता है और आप इसे डॉट डॉट के फॉर्म में अप्लाई करें और जेंटली मसाज करें। आप इसे अपने स्किन केयर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको अपने फेस पे पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है तो इसे भी वो सॉल्व करेगा। रेगुलर यूज़ के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए मैं आपको अब इसके टॉप 5 यूजेस बताती हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक ऑयल बेस्ड लोशन है। ये हमारे स्किन में ऑयल को बैलेंस करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो काफ़ी समय तक ये ऑयल को कंट्रोल करेगा, और अगर आप इसे मेकअप से पहले यूज़ करते हैं तो यह आपके मेकअप को काफ़ी समय तक स्टे करता है। नेक्स्ट, आप इसे एज अ मेकअप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेकअप करते हैं तो उससे पहले आप इसे प्राइमर की तरह यूज़ कर लें, फिर अपना मेकअप अप्लाई करें। ये आपके मेकअप को अच्छा बेस देगा, अच्छे समय तक सेट करेगा। तीसरा जो इसका यूज़ है, अगर आपको एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम है तो आप इसे सोने से पहले अपने एक्ने या पिंपल पर लगा लें और सो जाएं। वैसे तो आप इसे पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, बट अगर आपको एक्ने या पिंपल की से ज़्यादा परेशानी है तो आप इसे ऐसे ही डॉट डॉट करके अपने एक्ने या पिंपल पर लगा लें और डेली यूज़ करें। जल्दी ही आपको अपने एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो चौथा यूज़ है इसका, अगर आपको सनबर्न है, आप धूप से आते हैं और आपकी स्किन में जलन होती है, रैशेज हो जाती हैं, उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इसकी एक लेयर लगा लें और सो जाए। पांचवा यूज़, आप इसे नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सोने से पहले आपको अपने स्किन और नेक पर इसे हल्का सा यूज़ कर लेना है और सो जाना है। थोड़े ही समय में आपको अपने स्किन पर काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। आपकी स्किन बहुत ही अच्छी और हेल्दी हो जाएगी, दाग धब्बे भी कम हो जाएंगे। तो गाइस, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद है, और अगर आप भी इसे यूज़ करती हैं और आपको भी ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज का हमारा वीडियो यही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय,
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें।